शुरुआती दृश्य में लॉरेन मोनरो नामक एक प्रसिद्ध वकील को दिखाया गया है, जिसे वर्तमान में एक अपराधी को अदालत में बचाने के लिए $1 मिलियन ऑफर किया गया है। हालांकि लॉरेन की अटूट ईमानदारी और उसकी नैतिक सिद्धांतों ने उसे इस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। ये सिर्फ एक सबूत है कि लॉरेन निर्दोष लोगों के लिए खड़ी है, न कि पैसों के लाभ के लिए। अगला दृश्य उसके छोटे भाई विलियम मोनरो नामक एक राजनेता पर केंद्रित है, जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद को सुरक्षित करने के प्रयास में है। इसके बाद हमारा परिचय लॉरेन के पिता आर्चर मोनरो से कराया जाता है, जो एक धनी कारोबारी व्यक्ति है। वो इस समय जंगल में घूम रहा है, तभी अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। बूढ़ा व्यक्ति किसी तरह अपनी कार तक पहुंच जाता है, लेकिन घर वापस लौटते समय उसकी दुखद मृत्यु हो जाती है। लॉरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, तभी ये खबर पाकर उसका दिल टूट जाता है और फिर वो अपने पिता आर्चर के अंतिम संस्कार के लिए निकल जाती है, जहां लॉरेन और उसका पूरा परिवार था। अंतिम संस्कार के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए दोनों भाई बहन के बीच बातचीत होती है। इस दौरान विलियम ने खुलासा किया कि उनके पिता को लॉरेन पर गर्व था। उन्होंने अपनी माँ को एक नई जगह पर शिफ्ट करने की संभावना पर भी चर्चा की। इसके बाद लॉरेन अपने पिता के कार्यालय तक जाती है और उनके द्वारा उसे शतरंज सिखाने की सुखद यादें ताजा करती है। परिवार के वकील हेरोल्ड आर्चर की वसीयत की घोषणा करने के लिए आए। वसीयत में लॉरेन की मां कैथरीन को उनकी कंपनी का नया सीईओ नामित किया गया। विलियम को $20 मिलियन की राशि आवंटित की गई है, जबकि लॉरेन को किसी कारणवश केवल $10 मिलियन की राशि आवंटित की गई है। शेष $50 मिलियन पुलिस और मेडिकल स्कूलों को दान के लिए निर्धारित किए। बाद में हेरोल्ड लॉरेन से अकेले में बात करने जाता है और इस दौरान वह उसे उसके पिता द्वारा उसके लिए छोड़ा गया एक पैकेज सौंपता है। लॉरेन को पैकेज में चाबियां और पेन ड्राइव मिलती है। वह अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव लगाती है और उसे अपने पिता का एक वीडियो संदेश मिलता है। वह उससे एक छुपे हुए सच को बरकरार रखने के लिए प्रार्थना करता है और अपने जीवन के दौरान इसका खुलासा न कर पाने के लिए पश्चाताप भी व्यक्त करता है। अगले दृश्य में हैरान लॉरेन छिपी हुई सच्चाई के बारे में जानने के लिए जंगल में जाने का फैसला करती है, लेकिन उससे पहले उसके पति ने उसे रोक लिया, जो उसकी भलाई के बारे में चिंतित लग रहा था। हालांकि वो उसे सिर्फ ये बताती है कि वो ठीक है और उसे बस कुछ समय अकेले रहने की जरूरत है। लॉरेन फिर जंगल में चली जाती है, जहां उसे एक बंद तहखाना मिलता है, जिसके द्वार की चाबी हैरल्ड के द्वारा लॉरेन को दी गई थी। वो उस पर लगे ताले को खोलती है और तहखाने की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ती है। अंदर जाते ही लॉरेन घबराकर अंधेरे बनकर में उतर जाती है। वो एक दरवाजे के पास आती है और उसे खोलती है और तभी एक भयभीत कर देने वाले आदमी को देखती है। वो उसे जांचने के लिए उसके करीब जाती है, लेकिन उसकी अचानक हरकत ने लॉरेन को डरा दिया और वो बनकर से वापस घर भाग गई। लॉरेन मदद के लिए 911 पर कॉल करती है, लेकिन तभी उसका भाई आता है। वो अपने पिता की वसीयत के असमान वितरण पर उसके प्रति सहानुभूति रखता है और अपना हिस्सा शेयर करने की पेशकश करता है। हालांकि लॉरेन ने उसे ये कहते हुए इनकार कर दिया कि पैसा उसके लिए प्राथमिकता नहीं है। लॉरेन अपने पिता के साथ अपनी बचपन की तस्वीर को देखती है और अपने पिता के साथ हुए अतीत के तर्क पर विचार करती है, जिससे ये पता चलता है आर्चर ने उससे अनुरोध किया था कि वो अदालत में अपने अमीर दोस्तों का प्रतिनिधित्व करे। अपराधियों का बचाव करने की अनिच्छा के कारण उसने इसे ठुकरा दिया था। लॉरेन ने इस बार बंदूक से लैस होकर बनकर में फिर से जाने का फैसला किया। जैसे ही वो प्रवेश करती है तो वो आदमी को सोता हुआ पाती है, इसलिए वो उसकी पहचान करने के लिए सावधानी से उसकी उंगलियों के निशान लेती है। तभी वो आदमी अपनी आंखें खोलता है। वो थोड़ी देर बाद चेहरे पर मास्क लगाकर लौटती है और उसका नाम पूछती है। हैरानी की बात यह है कि वो आदमी लॉरेन और उसके परिवार के बारे में सब जानता था। उसका जन्मदिन, उसके भाई का नाम और उसके पिता की इच्छा के खिलाफ उसकी शादी भी शामिल है। उसके परिचित होने से आश्वस्त होकर लॉरेन अपना मुखौटा उतार देती है और उस आदमी के सवालों का जवाब देने के बजाय उससे दोबारा सवाल करती है, उसकी पुष्टि के अनुसार वो एक अच्छी इंसान है या नहीं। वो उससे उसे रिहा करने का आग्रह करता है, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति यही करता है। लॉरेन हालांकि इस बात पर ही रहती है कि उसने गंभीर अपराध किया होगा, इसीलिए कारावास में है। वो स्थिति को समझने की कोशिश करती है, लेकिन वो आदमी सबसे पहले आलू स्टेक, सीजर सलाद सहित शानदार भोजन की मांग करता है। दाढ़ी बनाने के अनुरोध के साथ चॉकलेट, गोल्ड वाटर, सिगरेट और स्कॉच की एक बोतल। लॉरेन उसे जीवन भर के लिए कैद में छोड़ने की धमकी देती है, लेकिन वो जानता है कि उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देगी। वो उसकी मांगों को पूरा करने का फैसला करती है और घर लौटने पर जाने से पहले उसे एक रेजर देती है। लॉरेन उंगलियों के निशान स्कैन करती है और उन्हें अपने मित्र जासूस एमिलियो को भेजती है। लॉरेन ने उसे जल्द से जल्द इस पर जांच करने के लिए कहा। इसके बाद वो उस आदमी द्वारा मांगी गई सभी चीजें खरीदती है और वापस बनकर में लौट आती है, क्योंकि आदमी को इतना स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराया जाता है। ये सब देखकर वो खुशी के आंसुओं के साथ ये सब याद करता है। लॉरेन उसे एक चॉकलेट बार भी देती है, जो उसे और भी भावुक कर देता है। वह आदमी बताता है कि कैसे उसके पिता उसे साल में एक बार चॉकलेट का एक चौकोर टुकड़ा देते थे, सारा खाना खा जाने के बाद। अंत में वो खुद को मॉर्गन वॉर्नर के रूप में प्रकट करता है और फिर लॉरेन का हाथ भी पकड़ लेता है। माफी मांगते हुए कैदी ने कहा कि काफी समय बाद उसका किसी मनुष्य से संपर्क हुआ है। इसके बाद मॉर्गन ने अपनी पिछली कहानियों को उजागर करना शुरू करता है।